हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे फाइंड सेलेक्ट के बारे में, फाइंड और सेलेक्ट की ऑप्शन के बारे में कि हम उसको अपने वर्ड के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मैं क्विकली अपना वर्ड ओपन करता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने यहाँ पर एक वर्ड की एक ओपन कर लिया, एक विंडो ओपन कर लिया, ठीक है। मैंने बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज किया ये तो आप सबको पता ही होगा, अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी। हम डिज़ाइन में जाकर यहाँ पर पेज कलर पर जाते हैं, यहाँ से हम पेज का कलर कोई भी डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर येलो सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। और तो हम इस तरह से सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ से हम टेक्स्ट का कलर कर लेते हैं। तो हमारा आज का जो टास्क है वो हमने फाइंड्स और रिप्लेस के बारे में करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई भी, अगर मैं टेक्स्ट लिखता हूँ, फॉर एग्जांपल, अब मैं इसका कलर थोड़ा रेड कर देता हूँ टेक्स्ट का, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ABC कोई भी मैं टेक्स्ट लिख लेता हूँ, ठीक है। अब मुझे फाइंड करना है कि मैं इसमें डी कहाँ कहाँ पर लिख चुका हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो ये देखिए, होम के ऊपर आपको एक साइड पे ऑप्शन दिख रही होगी फाइंड की, ठीक है। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और मुझे अब क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल, या डी फाइंड करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डी लिखूंगा और यहाँ पर ये देखिए, इसके पास टेंस रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर इसने टेंस डी को 10 दफ़ा मैं डी लिख चुका हूँ, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए, इसने हाईलाइट भी कर दिया उन सबको, ठीक है। अगर मैं यहाँ से इनको रिप्लेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल, अगर मैं इनको लिख चुका हूँ और इनकी जगह मैं कुछ छोड़ लिखना चाहता हूँ, तो ये देखिए साइड पर नीचे ऑप्शन है रिप्लेस की। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+H भी है और फाइंड की आपको जिस तरह Ctrl+F भी है, ठीक है। रिप्लेस को मैं करता हूँ क्लिक और यहाँ पर अब मैं डी की जगह चाहता हूँ कि कैपिटल ए लिखा है या कुछ भी लिख रहा हूँ, मैं चाहता हूँ एफिशिएंट लिखा है, एफिशिएंट मैंने लिख दिया। और यहाँ पर अगर आप एक एक करके करना चाहते हैं रिप्लेस, फॉर एग्जांपल, मैं पहले 5 का करना चाहता हूँ, तो मैं रिप्लेस करूँगा रिप्लेस रिप्लेस रिप्लेस। तो ये देखिए एक एक करके करा है। अगर मैं चाहता हूँ तमाम का एक साथ ही हो जाए, तो रिप्लेस ऑल की ऑप्शन है, रिप्लेस ऑल करूँगा तो एकदम ही ये तमाम को कर देगा। अब ये देखिए, इसने 6 के 6 इकट्ठे कर दिए। अगर मैं चाहता हूँ एक ही करके करे, तो यहाँ पर ये रिप्लेस की ऑप्शन है, ठीक है। तो इस तरह से हम रिप्लेस भी कर सकते हैं टेक्स्ट को और फाइंड भी कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसकी शॉर्टकट की अगर फाइंड की आप देखें तो वो है Ctrl+F और रिप्लेस की शॉर्टकट की है Ctrl+H। अगर मैं Ctrl+H अपने कीबोर्ड से आपको प्रेस करके दिखाता हूँ, Ctrl+H करूँगा, ये देखिए Ctrl+H मैंने प्रेस किया और यहाँ पर रिप्लेस ऑप्शन शो हो गई है, ठीक है। अगर मैं Ctrl+F करूँगा तो यहाँ पर ये देखिए साइड पे 5 नेविगेशन ओपन हो गई। अगर मैं यहाँ पर अब लिखता हूँ सी, लिखता हूँ कैपिटल, और मैं इसको सर्च करना चाहता हूँ, ये देखिए इसने मेरे पास इतने ज़्यादा सी ढूंढ लिया, जहाँ जहाँ पर मैंने सी लिखा उसने उसको थोड़ा हाईलाइट कर दिया। तो इस तरह से मैं कर सकता हूँ, ठीक है। जो बैकग्राउंड कलर का मैंने बताया, यहाँ से आप जाकर चेंज कर सकते हैं। मैं नो कलर कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, अब मैं आपको अच्छी तरह से थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ फाइंड पे। अब मैं जाता हूँ और यहाँ पर Ctrl+ ऐसा करता हूँ, F प्रेस करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ S, ठीक है। अब ये देखिए, इसने तमाम जितने भी मैंने C लिखे थे उसने तमाम C को हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अगर मैं इनको रिप्लेस करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रिप्लेस करके मैं इनको रिप्लेस कर देता हूँ, एक एक करके करना चाहता हूँ तो रिप्लेस, और अगर मैं एक साथ करना चाहता हूँ तो रिप्लेस ऑल करूँगा। और यहाँ पर ये 16 रिप्लेसमेंट हो चुकी है एफिशिएंट, उसने C की जगह लिख दिया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हमने फाइंड और रिप्लेस के बारे में देखा। फाइंड की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है Ctrl+F और रिप्लेस की शॉर्टकट की मैंने आपको बताई है Ctrl+H। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।